फ्रेंड्स, आकाश चैनल पर आपका फिर से एक बार स्वागत है। मैं हूं एचबी कमेजलिया और आज हम इलेक्ट्रिक करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होते हैं, इन्हीं के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आप सब ने पढ़ा कि कोई कंडक्टर में से करंट पास होता है तब इसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, लेकिन इसका पता कैसे चला, किसने सबसे पहले ये बात खोज निकाली, इन्हीं बातों को समझने के लिए 19वीं सदी में डेनिश साइंटिस्ट हंस क्रिश्चियन ओस्टेन ने इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रिलेशन खोज निकालने के लिए जो प्रयास किए हैं उन्हीं को अच्छी तरह समझना पड़ेगा। 1819 में ऑस्टेन ने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का प्रिंसिपल दिया और इन्हीं प्रिंसिपल को प्रूव करने के लिए उसने एक एक्सपेरिमेंट किया। तो चलिए दोस्तों, आज हम भी ग्राफिक के जरिए ओस्टर के प्रयोग को समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट की मैग्नेटिक इफेक्ट क्या है। मानिए दोस्तों कि इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए मैंने एक कॉपर का मोटा तार लिया और इस तार के दोनों एंड को मैंने ए और बी ऐसा नाम दे दिया। अब इस तार के साथ मैंने तार के जरिए एक बैटरी, एक स्विच, एक एम्पीरमीटर एंड एक छोटा सा लैंप लगाया और मैंने इस सर्किट की स्विच ओपन रखी ताकि इनमें से करंट ना बहे। आप देख रहे हैं कि एम्पीरमीटर भी जीरो रीडिंग दिखा रहा है, उसका मतलब ये हुआ देयर इज नो करंट इन द कंडक्टर ए बी। अब मैंने इस तार के नीचे एक दिशाएं दर्शाने वाली मैग्नेटिक नीडल यानी कि चुंबकीय सोय रखी। अब आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक सर्किट भी है, तार भी है, इसके नीचे मैग्नेटिक नीडल भी है, लेकिन नीडल पे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है। अब इस प्रैक्टिकल को आगे बढ़ाते हुए हमने इस सर्किट की स्विच ऑन कर दी। जैसे आप देख रहे हैं कि सर्किट की स्विच ऑन हो गई है, जैसे स्विच ऑन होते ही उनमें से इलेक्ट्रिक करंट पास होने लगेगा। आप बताएंगे कि सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन कौन सा होगा। इलेक्ट्रिक करंट पास होने की कन्वेंशनल थ्योरी के अनुसार सर्किट में से पॉजिटिव टर्मिनल से लेकर नेगेटिव टर्मिनल की ओर करंट बहेगा, यानी कि तार ए बी में ए से लेके बी की तरह कुछ ऐसे ही करंट पास होगा। अब दोबारा मैंने मैग्नेटिक नीडल उस तार के नीचे रखी। जैसे ही मैंने मैग्नेटिक नीडल तार के नीचे रखी तब नीडल कुछ बल महसूस करने लगती है और उन्हीं बल की वजह से मैग्नेटिक नीडल कुछ एक दिशा में डिफ्लेक्शन करती है। मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्शन कब करेगी, जब वो चुंबकीय प्रभाव में आएगी तब, यानी कि जब चुंबकीय क्षेत्र होगा तभी मैग्नेटिक नीडल अपना डिफ्लेक्शन देगी। यहां पे ये प्रूव होता है कि जब भी कोई तार में से इलेक्ट्रिक करंट बहते तब इसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। अब फ्रेंड्स, इस प्रैक्टिकल को आगे बढ़ाते हुए हमने इस सर्किट में थोड़ा कुछ चेंज किया, यानी कि सर्किट में हमने बैटरी की पोलैरिटी चेंज कर दी थी। आप देख सकते हैं कि जब बैटरी की पोलैरिटी चेंज होगी तब इसमें से करंट जो पास होती है उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। जैसे ही मैंने सर्किट का स्विच ऑन किया तब आप देख सकते हैं कि कन्वेंशनल थ्योरी के अनुसार अब सर्किट में से जो करंट पास हो रहा है उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, यानी कि पहले ए से लेके बी की ओर करंट बहता था, अब जाके सर्किट में से या तार में से करंट जो है वो बी से लेके ए की दिशा में कुछ ऐसे ही बहेगा। अब मैंने दोबारा वही मैग्नेटिक नीडल उस तार के नीचे रखी। जैसे ही तार के नीचे मैग्नेटिक नीडल रखी तब दोबारा वो नीडल कुछ बल महसूस करने लगती है और उन्हीं बल की वजह से नीडल अब पहले की कंपैरिजन में कुछ उल्टी दिशा में जैसे कि ऐसे डिफ्लेक्शन करने लगती है। उसका मतलब ये हुआ कि जब करंट की दिशा बदल जाती है
तब मैग्नेटिक फील्ड का डिफ्लेक्शन भी बदल जाता है, यानी कि उत्पन्न मैग्नेटिक फील्ड का जो दिशा है वो भी बदल जाती है। तो चलिए दोस्तों, ये तो हुई ग्राफिक के जरिए ऑस्टन ने किए हुए एक्सपेरिमेंट की बातें, लेकिन रियल फील्ड में ये बात कैसे होती है यह जानने के लिए देखिए ये वीडियो। एज स्टेटेड अर्लियर, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को प्रैक्टिकली देखने के लिए मैंने वर्किंग टेबल पे एक छोटा सा सर्किट डेवलप किया है। इसमें मैंने एक 12 वोल्ट की बैटरी, एक स्विच, एक डीसी एम्पीयर मीटर एंड एक कंडक्टर जो कि ए और बी दिखा रहा है, उसके नीचे एक मैग्नेटिक नीडल रख के कंडक्टर का दूसरा सिरा रियोस्टेट के साथ सीरीज में जोड़ के बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को दे दिया है। जैसे कि आप जानते हैं, जैसे मैं सर्किट की स्विच ऑन करता हूँ वैसे ही बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से लेके स्विच एम्पीयर मीटर कंडक्टर में ए से लेके बी की दिशा में करंट प्रवाहित होगी। अब देखिए, एक बार गौर से ध्यान रखिए, कंडक्टर में करंट का बहाव ए से लेके बी की ओर रहेगा। देखो, मैं स्विच ऑन करता हूँ, ऑन करते ही जो मैग्नेटिक नीडल है वो किस दिशा में डिफ्लेक्शन देती है वो ध्यान से देखिए। देखिए यहाँ पे जैसे ही मैंने स्विच चालू किया तब मैग्नेटिक नीडल है उसने एंटी क्लॉकवाइज दिशा में डिफ्लेक्शन दिया। दोबारा ध्यान से देखिए, कंडक्टर में करंट की दिशा ए टू बी मैग्नेटिक नीडल की जो डिफ्लेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज हो रही है। अब सर्किट में से यानी कि कंडक्टर में से करंट की दिशा बदलने के लिए मुझे सर्किट में कुछ चेंज करना पड़ेगा। पहला चेंज मुझे ये करना पड़ेगा कि बैटरी की जो पोलारिटी है उसको मुझे चेंज करना पड़ेगा। तो मैं बैटरी की पोलारिटी चेंज कर देता हूँ, पॉजिटिव की जगह पे नेगेटिव, नेगेटिव की जगह पे पॉजिटिव रख देता हूँ। दूसरी बात, डीसी सर्किट में जो मीटरें होती है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उसकी पोलारिटी भी बहुत मायने रखती है। जैसे ही सर्किट में बैटरी की पोलारिटी चेंज हो जाती है तो उसके साथ साथ ही मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की पोलारिटी भी चेंज करनी पड़ेगी। मैं यहाँ पे एम्पीयर मीटर का दोनों सिरा चेंज कर देता हूँ। दोबारा देखिए, अब जब मैं स्विच चालू करूंगा तब बैटरी में से बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से लेके करंट रियोस्टेट में, रियोस्टेट से आगे बढ़ते हुए करंट बी से लेके ए की दिशा में आगे बढ़ेंगे। देखिए, तो पहले की कंपैरिजन में करंट की दिशा चेंज हो गई, यहाँ पे अब करंट बी से लेके ए की ओर बढ़ेगा। तब क्या मैग्नेटिक नीडल किस ओर डिफ्लेक्शन करती है उसका गौर से ध्यान रखिए। जैसे कि मैं स्विच चालू करता हूँ, देखिए अब जाके नीडल ने क्लॉक वाइज डिरेक्शन में डिफ्लेक्शन दिया। अभी आप देख रहे हैं कि सर्किट में से करीबन 22 एम्पियर करंट पास हो रहा है। दोबारा ध्यान से देखिए, जैसे ही स्विच में चालू करता हूँ मैग्नेटिक नीडल की डिफ्लेक्शन है वो 20 क्लॉकवाइज दिशा में आगे बढ़ती है। उसका मतलब ये हुआ कि जब कंडक्टर में से करंट पास होता है तब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, जब कंडक्टर में करंट की दिशा बदल जाती है तब उत्पन्न मैग्नेटिक फील्ड की दिशा भी बदल जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।